मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पौधे लगाकर बांसरोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें किसी प्रकार की बड़ी फैक्ट्री और कंपनियां नहीं है। इसके अलावा मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित कर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया है। कार्यक्रम में हूँ परसवाड़ा में जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से वृहद वृक्षारोपण पूरे प्रदेश में और पूरे जिले में किए जा रहे हैं। आज उसी के फलस्वरूप ये संदेश लेकर हमारे जिले के प्रभारी मौसम हरीन कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी रमेश भटेरे जी इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में यहाँ पर पहुँचे हैं। भिड़ी एक ऐसा जगह है, ग्राम पंचायत है, जहाँ पर हम हायर सेकेंडरी स्कूल में आज हम एक संदेश के माध्यम से 3 पौधे लगाए हैं और उसको सुरक्षित रखने की सारी जिम्मेदारी गारंटी एक संदेश के रूप में, क्योंकि पूरा समाज पूरा ग्राम पंचायत भी अपने अपने घर के सामने अपने अपने जहाँ जगह खाली है वहाँ वृक्षारोपण करे, ये संदेश को लेकर आज यहाँ पर भिड़ी ग्राम पंचायत में हमने कार्यक्रम किया है। 6 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम देश भर में कर रही है, इसी कड़ी में वृक्षारोपण भी कार्यक्रम किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ स्तर तक है, तो जो प्राथमिक जो अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी की कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 11 पौधे लगे। आज हम सब यहाँ पर सिलगी ग्राम में आए थे, स्व सहायता समूह की बहनों के द्वारा वृहद स्तर पर 24 एकड़ में लगभग 5,616 पौधों का रोपण किया गया है। मैं पूरी टीम को बहुत सारी बधाइयां देती हूँ और सभी से आह्वान करती हूँ मीडिया के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए इस माँ धरती पर पुनः जीवन बना रहे, वर्षों तक यहाँ पर शुद्ध हवा सांसे लोगों को उपलब्ध हो सके, हम सब पौधे जरूर लगाएं, उसका पालन पोषण करें और उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ बढ़ाएं।